मैं बहुत खुश थी। मुझे जुड़वा बच्चे जो हुए थे, हमने इनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। हमने हर कोशिश की कि इन्हें हमेशा खुश रखें, इनकी हर जरूरत को पूरा करें। सब जरूरतें से बड़ी जरूरत थी उनकी सेहत का ख्याल रखना। आफ्टर ऑल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हमें ऐसा लगता है कि साइंस की मदद से ही बच्चों की आदतों और सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। तभी मुझे न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में पता चला और मैंने इन्हें देना स्टार्ट किया। आह्वान ने तो बहुत चाव से पिया, ही जस्ट लव्ड इट। लेकिन आहान आहान ने बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई, तो मैंने भी उसे फोर्स नहीं किया, बिकॉज आफ्टर ऑल वो अच्छे से खाना खाता था, एक्टिव था तभी, तो मुझे लगा इट्स ऑल राइट। इसी चक्कर में 3-4 महीने निकल गए एंड मुझे मौका मिला न्यूट्रीचार्ज किड्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का। वहाँ पे जो जानकारी मुझे मिली उससे मेरी आंखें खुल गई। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ का हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए और उस चक्कर में हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि आहान जो न्यूट्रीचार्ज नहीं पी रहा था और खाना बहुत अच्छे से खा रहा था, वो अक्सर बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। उसकी इम्यूनिटी बहुत लो थी, पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं था उसका। इनफैक्ट उसके घाव भी जल्दी नहीं भरते थे और वो बहुत जल्दी थक जाता था। पर आह्वान जो रेगुलरली 3-4 महीने से न्यूट्रीचार्ज किड्स पी रहा था, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। पहले तो मैं ये समझ ही नहीं पाई कि दोनों की एक्टिविटी और इम्यूनिटी लेवल्स में इतना डिफरेंस क्यों है। दोनों एक ही जैसा खाना खाते हैं, तकरीबन एक ही जैसे एनवायरनमेंट से दोनों का एक्सपोजर है। देन आई रियलाइज्ड आहान न्यूट्रीचार्ज किड्स पीता है और आहान, वेल अब मैं उसे भी पिलाऊंगी।